झांसी में किसान यूनियन के नेता और ग्रामीण लोगों ने बिजली विभाग की घोर लापरवाही और तानाशाही के विरोध में मऊरानीपुर तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया। किसानों का यह आरोप है कि पिछले कई सालों से गांव में बिजली नहीं आ रही है, ट्रांसफार्मर खराब हो जाने के बाद भी उसे बदला नहीं जा रहा है और बिजली कटौती अघोषित रूप से की जा रही है, जिससे ग्रामीण बेहद परेशान है। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने बिजली विभाग के खिलाफ एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी को भी दिया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे किसान यूनियन के नेता शिवनारायण सिंह परिहार ने बताया कि विद्युत विभाग तानाशाही अवैध वसूली और अघोषित कटौती को लेकर शिकायत भी की, हम लोगों ने लोग परेशान है, उमस भरी गर्मी में बिजली नहीं मिल रही है, बिजली कब आएगी कब जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। यहाँ पर विद्युत विभाग का आदेश है जिस गांव का ट्रांसफार्मर जल जाए उसे 24 घंटे में बदल दिया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ इसका उलट है और बिजली विभाग खुद अपने मुख्यमंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहा है। बिजली कब आएगी कब जाएगी भगवान भरोसे। दूसरी हमारी समस्या ये है कि मुख्यमंत्री का आदेश है कि जिस गांव का जिस शहर का ट्रांसफार्मर फूंक जाए उसको 24 घंटे में बदला जाए, लेकिन उसके उलट मुख्यमंत्री जी के आदेशों की जो है धज्जियां उड़ा रहा है बिजली विभाग। कई ऐसे गांव हैं जहां दो दो महीने से ट्रांसफार्मर नहीं बदले गए। लुहर गांव है, 10 दिन से फूका था, नकली वहां भी वो रखे आए ट्रांसफार्मर, शाम को फिर आग लगी जल गया। ऐसे ही लुहर गांव का है और धायपुरा में 3 ट्रांसफार्मर फूके हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि ब्लॉक मऊरानीपुर के गांव बड़ा गांव का कोरियनपुरा है जहां आज़ादी के बाद से आज तक बिजली नहीं पहुंची, तो उस गांव में बिजली नहीं पहुंची तो वहां विद्युत विभाग की उदासीनता और अवैध वसूली सुविधा शुल्क के चक्कर में उस गांव में आज तक लाइट नहीं पहुंची। तो आज इसी संबंध में धरना है और ज्ञापन है, तो अगर हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं होता तो और आंदोलन किया जाए। गांव धवाकर आता है, धवाकर के संबंध में इन लोगों ने शिकायत किया है कि कहीं पर कनेक्शन नहीं हो पा रहा है और 4 बिंदुओं का ज्ञापन है। किसान यूनियन के पदाधिकारियों की विद्युत विभाग के SDO से बात करा दिया है, जो ग्रामीण और शहरी अलग अलग SDO हैं उनसे वार्ता करा दी गई है, उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान 1 सप्ताह के अंदर करा दिया जाएगा। सर कुछ किसान महिलाएं हैं वो ज्ञापन उन्होंने सर आरोप लगाए हैं कि किसी ने पैसे मांगे हैं सर उसी को लेकर के काम कराने के। नहीं, इस तरीके की बातें एकदम बिल्कुल असत्य और निराधार है जी। मेरी SDO से वार्ता हुई, उन्होंने बताया कि जब किसी कंज्यूमर को अपना कनेक्शन लेना होता है तो जो केबल और जो पोल लगने होते हैं उसका जो है भार उसे ही उठाना होता है। एस्टिमेट है, उसने किसी कोई पैसा लेने का प्रावधान नहीं है, ना पैसा मांगा गया है, फिर भी SDO ने कहा है कि मैं इसकी जांच कराऊंगा।